और असहज नहीं है क्या नीतीश कुमार? आप इस गठबंधन में पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं अजय, या असहजता का इजहार किया जा रहा है इफ्तार के जरिए? मुझे समझ में नहीं आता है कि असहजता की परिभाषा आप क्या तय करते। अच्छी खासी सरकार चल रही है, 47 एमएलए होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब ने नीतीश कुमार को कहा कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पब्लिक डोमेन में ये बात कही गई हर तरह से सरकार। अजय, पब्लिक डोमेन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अजय आलोक, पब्लिक डोमेन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, वो जनता की ताकत की कृपा से मुख्यमंत्री। आज जरा इस देश में एक उदाहरण दीजिए कि कोई कृपा से मुख्यमंत्री आ सक बना है। नहीं, ये इतनी तल्खी ललन सिंह को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ये तल्खी दिखाने की क्या बता रहे थे? किसकी कृपा से है कि भाई हम किसी की कृपा से नहीं, किसे कह रहे थे कि हम आपकी कृपा से नहीं है? नहीं, इतना ही नहीं कहा संदीप उन्होंने। मैं एक लाइन जोड़ देता हूं अजय। उन्होंने पार्लियामेंट में बिहार को उसके हक का पैसा मिले, फाइनेंशियल ग्रांट मिले, चूंकि वो बेटर मैनेजमेंट वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला स्टेट है, जो मिसमैनेजमेंट वाले स्टेट्स हैं उनको मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री के सम्मुख सामने जब वो सदन में बैठे थे तब उन्होंने ये सवाल उठाया। बिल्कुल, उदाहरण मैंने आपको दिया। अगर बिहार के जातीय जनगणना का सवाल है वो लगातार उठा रहे हैं, बिहार के स्पेशल स्टेटस का सवाल है वो लगातार उठा रहे हैं। ये तमाम वो बिंदु हैं जिस पे भाजपा आपके साथ जाती नहीं दिख रही है, इसलिए हम तो जोड़कर देख रहे हैं कि इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में ऐसा एक बयान आता है तो उसको पढ़ा जाना चाहिए। आपको बिल्कुल जोड़ना चाहिए, जोड़ना आपका काम है, तोड़ने का काम तो राजनीतिक दल करते हैं ना, जोड़ना आपका काम है। आप अच्छा, तो आप तोड़ने के लिए तैयार हैं? तो तोड़ने के लिए तैयार हैं? अरे सुनिए तो सही, मुझे पूरी बात तो पूरी करने दीजिए पहले। ये बताइए, बिहार के सांसद मुंगेर से हैं ललन सिंह, वो बिहार के हितों की बात नहीं करेंगे तो होनोलुलु के हित की बात करेंगे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ये सब बिहारी चाहते हैं। अगर ललन सिंह ये बात, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन में भी ये करने की नौबत आ रही है? बिल्कुल नौबत आएगी, क्योंकि नीति आयोग ने प्रावधान विशेष राज्य के दर्जे का समाप्त कर दिया। अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल डिफरेंट हो गया, 42-58 का मॉडल हो चुका है, ये हम सब जानते हैं। हमारी मांग है कि जिस तरह से नीति आयोग भी तो आदमियों को मिलकर ही बनता है ना, अगर नीति आयोग ने आज के तो एक इंजन दूसरे इंजन को नहीं समझा पा रहा है, एक इंजन जा रहा है पटना, दूसरा इंजन जा रहा है अहमदाबाद। नहीं, ऐसा अगर ऐसा होता दो इंजन अलग अलग जा रहे होते तो स्टेट में 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, गंगा पे 9 पुल नहीं बने होते, स्टेट में दो दो एक्सप्रेस पे नहीं आ रहे होते, नया नया इथेनॉल प्लांट, डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन नहीं हो रहा होता, औद्योगिकरण की तरफ से बिहार आगे नहीं बढ़ रहा होता। अगर ऐसा हुआ होता तो बिहार का बजट 2,20,000 करोड़ का नहीं हुआ होता, बिहार में शराबबंदी अच्छी से लागू नहीं होती, बहुत सारे चीज है। तो कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, राजनीति में जब तक ये सब मसाले मिर्च आप लोग नहीं डालेंगे तो राजनीति इंटरेस्टिंग कैसे रहेगी? नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिनके एक चाल पे देश चलता है, तो ये चाल है, स्वाभाविक है। अगर इस तार में वो किसी के यहां जाएंगे तो ये चर्चा का विषय बनेगा ही, वो कितना भी कह लें कि भाई तो संदेश दे रहे हैं ना, आप तो मानेंगे नहीं, कुछ संदेश दे रहे हैं बीजेपी को, मतलब आप ये मान रहे हैं कि नीतीश संदेश दे रहे हैं? बीजेपी वाले खुद ही वहां जा रहे हैं तभी बीजेपी को संदेश देंगे, शहनवाज हुसैन को नहीं जाना चाहिए था आरजेडी के यहाँ, आरजेडी की स्टार पार्टी में उप मुख्यमंत्री नहीं आते, संदेश एक अलग जाता। संदेश का क्या मतलब है भाई? सामाजिक सौहार्द का प्लेटफॉर्म है, आप खुद कह रहे हैं मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने कौन सी इफ्तार की दावत दी है? कोई बीजेपी के नेता ने खुद इफ्तार की दावत दी? आप मजबूर कर रहे हैं क्या बीजेपी को आने के लिए, जब पूरे देश में हिंदू मुसलमान पर तकरार हो रही है? अरे क्यों मजबूर करेंगे भाई, एक नेता को आप मजबूर करेंगे, 5 नेता को मजबूर करेंगे, पूरी की पूरी बीजेपी आ रही है? क्यों? पूरी बीजेपी आ रही है, 3 नेता।